गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, अब तक हम अपना चैप्टर वन मोल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। आज हम अपना चैप्टर टू का फर्स्ट लेक्चर यानी कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेडिंग डाल लेंगे आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स हैज बीन प्रपोज्ड बाय एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स, जो कि पहले एंशियंट का मतलब पुराने टाइम के इंडियन फिलोसोफर थे या फिर ग्रीक के फिलोसोफर थे, उन लोगों ने ही इस बात को बहुत सालों पहले ही इस बात को रखा था कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स एग्जिस्ट अराउंड 400 BC, ये कब की बात है, लगभग 400 BC की बात है। हु बिलीव डैट, जिनका मानना था ऑल मैटर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन लोगों का मानना था कि जितने भी मैटर्स हैं सब के सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बने हैं, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कह सकते हैं, एटम्स कह सकते हैं। सही है? अब अलग अलग जगह के लोग उसको अलग अलग नेम दिए थे तो वो अलग बात है, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही था कि हाँ जितने भी मैटर्स हैं वो सब किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिनको बाद में हमने क्या कहा, एटम्स। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड एटम, ये जो एटम वर्ड है ना, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो। एटोमियो इसका मतलब है, ए का मतलब इन अपोजिट, टोमियो का मतलब डिविजिबल, यानी कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि इनडिविजिबल हो, यानी कि हम उसको वापस से ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज एटोमियो। उसी वर्ड को हमने क्या नया टर्म बना दिया, एटम। ये जो एटम वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से, जहाँ पे एक टर्म है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल, और उसी की बेस पे हमने जो टर्म लिया उसका नाम क्या रखा हमने, एटम्स। नेक्स्ट देखिए, इन 1808 एन इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डॉल्टन, 1808 में जो हमारे इंग्लिश साइंटिस्ट है जॉन डॉल्टन, इनके बारे में आपने 9th में पहले से पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़े हैं तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर वन में भी हमने इनके बारे में थोड़ा सा बताया था, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। खैर, अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यही चीज़ बताई कि जितने भी मैटर्स है दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दो हजार नोन एज एटम्स। तो फिर इनका बताना और पीछे वालों को बताने में डिफरेंस क्या था, हाँ एक छोटा सा डिफरेंस था, इन्होंने जो बताया उसको इन्होंने लिखित में दिया, रिटेन फॉर्म में, कि हाँ ये ऐसा होता है, जबकि जो पुराने लोग थे, जो फिलोसफर्स थे, चाहे वो इंडियन के रहे हों या फिर वो ग्रीक के रहे हों, उन्होंने कुछ ऐसा रिटेन नहीं दिया था, उन्होंने ये चीज़ बताया ज़रूर लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। फॉर्मुलेटेड अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ मैटर नोन एज एटम्स, उन्होंने एक छोटा सा डेफिनेशन टाइप का बना के दिया, उन्होंने कहा जितने भी मैटर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज आर इंडिविजुअल, दे आर नोन एज ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड कॉल्ड एज एटम्स। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मैटर्स हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, इन पार्टिकल्स को हम वापस से तोड़ नहीं सकते, इन पार्टिकल्स उन्होंने ब्लॉक ऑफ मैटर भी कहा, और बाद में इसका नाम क्या दिया गया, एटम्स। अब हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, देखिए पहला, एवरी मैटर इज कम्पोज ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, जितने भी मैटर है ना दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस, और ये जो पार्टिसिपेंट्स की बात आती है, जब रिएक्शन कराते हैं तो पार्टिसिपेट कौन करता है, एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट,
एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। उन्होंने कहा कि अब अगर हम चाहें कि एटम को भी तोड़ दे, यानी कि हम ये पता लगा लें कि एटम्स भी किसी से बने हैं, ये पॉसिबल नहीं है, जो कि बाद में थ्योरी गलत हो गई। हाँ, सबको पता है ना, सब पार्टिकल्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और भी कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि तब तक इन 1808 तक जॉन डॉल्टन का यही मानना था कि सबसे छोटी पार्टिकल्स कौन है, हाँ दैट इज एटम, और उसके फर्दर पार्ट्स नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रॉपर्टीज। फिर उन्होंने कहा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम, मान लीजिए मेरे पास एक आयरन का एटम है और एक सल्फर का एटम है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होगी, इन दोनों का जो मास होगा, वो सब अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल होता है, सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है, 32 यूनिफाइड मास। जबकि अगर आप कॉपर की बात करें तो देन इट इज डिफरेंट, दैट इज 63.5। तो मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की मास और उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग अलग होती है। जबकि उन्होंने ये भी कहा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। अगर आप एक ही एलिमेंट के ढेर सारे एटम्स लेते हैं, मान लीजिए आपने सल्फर के 10 एटम्स ले लिए, तो 10 एटम्स का जो मास होगा अपना, वो सब एक दूसरे के इक्वल होगा, वो हर तरह से उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा। क्लियर है? यानी वो ये कहना चाहते हैं कि एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। देन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो टू फॉर्म। उसके बाद उन्होंने कहा जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं वो क्या कर सकते हैं, दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन दे कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। और वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। अब ये कैसे समझेंगे, आप ले लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल, CO, एक एटम कार्बन है और एक एटम ऑक्सीजन, ये एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं। हाँ, जब कार्बन 12 पार्ट्स लेंगे और ऑक्सीजन 16 पार्ट्स, या फिर जब आप रेशियो की बात करेंगे तो 3:4, तो उस रेशियो में जब आप मिलाएंगे तब वो क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वहीं पे अगर आप इस रेशियो को चेंज करके 3:8 कर दिए तो ये पता है क्या बन जाता है, दिस गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन का मास अगर आप देखेंगे तो 12, ऑक्सीजन के दो एटम है यानी कि मास 32, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:8। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, एटम्स कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हाँ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह ही होता है, यानी कि एटम्स को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब कुछ ड्रॉबैक्स की बात कर लें। हाँ, इनके एटॉमिक थियरी में बहुत सारी गलतियाँ थी, आइए एक एक डिस्कस करते हैं। पहला, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये जो डॉल्टन एटॉमिक थियोरी थी ये एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने ये बात तो जरूर बताई कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज और मास अलग अलग होती है, लेकिन क्यों होती है इसके बारे में उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। थर्ड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ वन अनदर। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कंपाउंड बनाने के लिए, टू फॉर्म कंपाउंड, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। सही है, बात तो उनकी सही थी, लेकिन उनको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है, इस बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे कि एटम्स किससे बने हैं। यानी कि सबसे पहली मिस्टेक जॉन डॉल्टन्स की यही थी कि एटम इज इंडिविजुअल, एटम्स आर डिविजिबल, ये ट्रू है। जो उनका स्टेटमेंट था एटम्स आर इंडिविजुअल, वो स्टेटमेंट फॉल्स थी। हाँ, एटम्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर नोन एज सब पार्टिकल्स। मेनली तो तीन पढ़ेंगे आप, प्रोटॉन्स,
इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि और भी कुछ होते हैं। क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो देखिए, इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरीज, यानी कि लगभग 150 साल के बाद, इट वॉज डिस्कवर डैट एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लगभग 19th सेंचुरी के लास्ट में ये क्लेरिफाई हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि जो एटम्स हैं वो भी अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, और उन पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। मेनली तीन होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, लेकिन सिर्फ तीन होते हैं ये कहना गलत हो जाएगा। आइए तो हम डिस्कस करेंगे, पहला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे ढूंढा गया, इलेक्ट्रॉन का स्टार्टिंग में जो नेम दिया गया था, दैट नेम वॉज गिवन एज कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया था, कैथोड रेज। तो कई बार आपसे कह देता है कमेंट ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कई बार कह देगा आपको कमेंट ऑन द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। आपके सामने एक छोटा सा सेटअप दिख रहा है, इस सेटअप को हम बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए ये हमारा एक ट्यूब लगा होता है, इस ट्यूब में हम दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम एक वैक्यूम पंप लगाते हैं, जिसकी हेल्प से इसके अंदर की जो भी गैस है हम उसको वैक्यूम कर पाए, क्लियर है। या फिर इसका यूज और एक चीज़ के लिए किया जाता है, इसके प्रेशर को कम करने के लिए। इसके अंदर जो गैस होगी वो कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी, उस प्रेशर को कम करने के लिए भी हम इस वैक्यूम को यूज करते हैं। इसमें आप कोई भी लो प्रेशर पे गैस फिल कर लेते हैं, ध्यान रहे इसमें आपको फिक्स नहीं है कि कौन सा गैस भरना है, आप कोई भी रैंडम गैस लेके उसको वेरी लो टेम्परेचर पे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। प्रेशर भी काफ़ी कम होना चाहिए, प्रेशर लगभग कितना होता है, 10^-2 atm के अराउंड, यानी कि 1/100 atm, जो कि काफ़ी कम है। उसके साथ हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज लगाया जाता है, लगभग 1000 वोल्ट के अराउंड। जब ये पूरा सेटअप बना लिया गया और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया गया इस हाई वोल्टेज से, तो क्या हुई, ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, इन दोनों टर्मिनल्स ने क्या किया, हाँ इसके बीच में जो गैस थी वहां पर उन्होंने नोटिस किया कि कुछ रेज ऐसी हैं जो कि कैथोड से चल के कहाँ आ रही थी, एनोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव साइड से चल के किधर आ रही थी, नेगेटिव साइड की तरफ। अब हमें एक चीज़ इतना बताइए, अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब ये कैसे चार्ज होंगी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव की तरफ वही जाएंगे जो दूसरा साइन हो, यानी कि अपोजिट चार्ज होगा। अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये चार्ज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ ये चार्ज कैसा हो सकता है, नेगेटिव। तो वहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो कि कहाँ जा रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, इसका मतलब वो कैसे चार्ज थी, दे आर नेगेटिवली चार्ज। चले इन मीड ऑफ 1850, हाँ साइंटिस्ट मेनली फैराडे, फैराडे के नाम आपने सुनी रखा होगा, माइकल फैराडे, बिगैन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन अ पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। 1850 के अराउंड फैराडे ने क्या किया, इन पे स्टडी करना शुरू कर दिया, इस पे डिस्कवरी करना शुरू कर दिया, और उन्होंने क्या किया, एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसको उन्होंने क्या किया, इवैक्यूएट किया, इवैक्यूएट का मतलब उसको खाली करना होता है, पार्शियली का मतलब नॉट कम्प्लीटली, आधा अधूरा, मतलब जितना हो सकता था उसको इवैक्यूएट किया गया। ऐसा क्यों किया गया था, हाँ प्रेशर को कम करने के लिए,
अब देखिए सॉरी, डिस्चार्ज ट्यूब इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? एक लंबा सा ग्लास का ट्यूब होता है सिलेंड्रिकल, कंटेनिंग टू थीन मेटल्स, जिसमें कि दो थीन मेटल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, सील्ड इन ईट एज सोन, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, आप यहां भी देख सकते हैं। ये दिख रहा है आपको पूरा सेटअप, ये यहां से लेके वहां तक। हाँ, इस पूरे सेटअप को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, एट वेरी हाई वोल्टेज अराउंड 1000 वोल्ट एंड वेरी लो प्रेशर अराउंड 10^-2 atm एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज एंड लाइट इज इमिटेड बाय द गैस। एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने पे, कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई गई थी, हाई वोल्टेज 1000 वोल्ट की जो बैटरी लगाई गई थी उसकी हेल्प से। द करंट फ्लोज थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। उसके बाद उन्होंने नोटिस किया, माइकल फैराडे ने इस बात को नोटिस किया कि कुछ रेज नेगेटिव टर्मिनल से निकल के किधर जा रही थी, पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जा रही थी। क्लियर है? अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं तो खुद पॉजिटिव हुई होंगी या नेगेटिव रही होंगी? हाँ, दे विल बी नेगेटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास जाते तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाता ना, इसलिए दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज। इसीलिए ये जो रेज निकल रही थी उन रेज को क्या कहा गया, कैथोड रेज। अब कैथोड रेज कहने के पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, कैथोड से निकल कर ये रेज कहाँ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कैथोड रेज। क्लियर है? और कैथोड रे पार्टिकल्स ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड। नेक्स्ट है, द फ्लो ऑफ करंट या कैथोड रेज कैन बी फर्दर चेक्ड बाई मेकिंग अ होल इन द एनोड। उसको यहां से देखने के बाद फिर से रीवेरीफाई किया गया। उसके लिए क्या किया उन्होंने, उन्होंने जो होल एनोड था उसमें एक छोटा सा होल किया गया, यानी कि आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं यहां से कुछ रेज निकल रही थी तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड लगा है इस इलेक्ट्रोड में छोटे छोटे होल्स किए गए, और इसके पीछे वाला ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया पे जिंक सल्फाइड, किसका, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई। अब आपके माइंड में आएगा सर जिंक सल्फाइड क्यों लिया गया, जिंक सल्फाइड लेने के पीछे ये रीजन होता है कि जब इस पे कोई भी पार्टिकल्स आपकी स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो ये तुरंत ग्लो करने लगता है, यानी कि चमकने लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे होल किए, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई, इसलिए ताकि ये जो पार्टिकल्स जा रही हैं, अगर सच में पार्टिकल्स हैं तो ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी, यहाँ होल करने के मतलब उस होल से निकलेंगी और पीछे वाले लेयर पे आके स्ट्राइक करेंगी। अगर वो स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लोइंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि चमक क्रिएट हो जाएगा, और उसके बेस पे वो बता सकते हैं कि ये पार्टिकल्स कैसे हैं, कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए, विथ अ फॉस्फोरेसेंस मटेरियल जिंक सल्फाइड। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस मटेरियल कहते हैं, जो कि जिंक सल्फाइड को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी इसमें कोई पार्टिकल स्ट्राइक करती है वो ग्लो करने लगता है। अ ब्राइट स्पॉट ऑन द कोटिंग इज डेवलप्ड। जब ऐसा किया गया तो क्या देखा गया कि ब्राइट स्पॉट ग्लो कर रहा था, यानी कि वहां पर चमक क्रिएट हो रही थी, जिसका मतलब ये चीज का प्रूफ था कि सच में यहां से कुछ पार्टिकल्स जा रही हैं, और ये पार्टिकल्स, ये जो होल किया गया है, इस होल से निकलते हुए इस स्क्रीन पे आके कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रही हैं, और इन्हीं की स्ट्राइक करने की वजह से यहां पर ग्लो क्रिएट हो रहा है। बात क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट, द सेम फेनोमिनन इज यूज्ड इन टेलीविजन।
यही सेम चीज़ यूज की जाती है कहाँ पे, हमारे पुराने टेलीविजन के सेट में। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो रेज थी कैथोड रेज, वो कैसे होते हैं नेचर में, दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। आइए देखिए, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, जो भी रेज है लगभग वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। लाइट रेज भी आप ले लें तो भी हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, नहीं इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है, ये बात कैसे प्रूफ होती है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज कास्ट अ शार्प शैडो। क्योंकि जब हम कैथोड रेज जहाँ से पास करा रहे थे उस रेज के बीच में अगर मैंने कोई सामान रख दी, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी एक शैडो बन रही थी, वो भी कंप्लीट शैडो बन रहा था। इसका मतलब जो रेज आ रही है, जो रेज उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही थी, वो रेज कैसी थी, दे आर मूविंग स्ट्रेट। अगर वो स्ट्रेट नहीं होती तो जो उसका शैडो बनता वो शैडो कभी भी स्ट्रेट आपको नहीं मिलता। यानी कि अगर आप कभी धूप में खड़े हों तो आपको आपका शैडो बिल्कुल सेम दिखता है, दिखता है ना। हाँ, अगर वो सन की लाइट जो आपके ऊपर पड़ रही है वो अगर स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करती तो आपको आपका शैडो सही से दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी पॉइंट, कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट व्हेन कैथोड रेज आर फोकस्ड ऑन अ थिन मेटल फॉइल इट गेट्स हीटेड। यानी कि जो कैथोड रेज थे उनके अंदर स्पीड होने की वजह से जब वो किसी पार्टिकल से टकराए तो वहाँ पर वो हीट ट्रांसफर किए, एनर्जी ट्रांसमिट किए इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट वन इज, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रेज जो है वो किसी न किसी मटेरियल के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बने हुए हैं। ये कैसे पता चलेगा, जब आप कैथोड रेज मूव कर रही हैं उसके बीच में एक हल्का सा पिन व्हील रख दीजिए। अब पिन व्हील क्या होता है, देखिए जब यहाँ से कैथोड रेज मूव कर रही थी और ये पिन व्हील रखा गया तो क्या देखा गया कि ये पिन व्हील धीरे धीरे रोटेट करने लगा। यानी कि यहाँ से जो रेज जा रही थी इसको स्ट्राइक करने के बाद इसको मूव करा रही थी। यानी कि ये कैसा नेचर शो कर रहे थे, देवर शोइंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर नेचर। यानी कि पार्टिकल्स के नेचर को शो कर रही थी, इसका मतलब वो किसी न किसी मैटर से ही बनी रही होंगी। इसको बोलते हैं मैकेनिकल इफेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए स्ट्रीम ऑफ कैथोड रेज। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, ये जो रेज जा रही थी कैथोड रेज, इसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हमने नोटिस किया कि जिस साइड में नेगेटिव टर्मिनल था उस साइड ये रेज नहीं जा रही थी, जबकि जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव फील्ड होता है उस साइड में ये सब बेंड करके आगे बढ़ रही थी। इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका मतलब इनके बीच और वो पॉजिटिव टर्मिनल के बीच कैसा फोर्स था, अट्रैक्शन फोर्स था, जो कि इस बात को प्रूफ कर रहा था कि ये कैसे चार्ज शो कर रही हैं, दे आर शोइंग नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो भी मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद भी कैथोड रेज वही प्रॉपर्टी शो कर रही थी जो कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल शो करता है। सो दे वर डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया गया तो ये चीज फील हुई, ऑब्जर्व हुई कि जो भी कैथोड रेज जा रही थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना शुरू कर दी। इसका मतलब कि पॉजिटिव प्लेट और इन कैथोड रेज के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था, और अट्रैक्शन फोर्स हमेशा दो डिफरेंट पोल्स के बीच में काम करता है। यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए।
तो क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, इसका मतलब रेज कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑल्सो शोज दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो वहाँ से भी देखा गया कि जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल किससे मैच कर रही थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मैच कर रही थी। नेक्स्ट, ऑन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, जब एनोड में छोटे छोटे होल्स कर दिए गए, पता है जब इलेक्ट्रोड में छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं तो उन इलेक्ट्रोड्स को हम बोलते हैं परफोरेटेड इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं हम, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड्स। हाँ, जब होल कर दी गई तो क्या हो रही थी, कुछ कैथोड रे जाके पीछे कि जो स्क्रीन लगाई गई थी जिंक सल्फाइड की, उसे स्ट्राइक कर रही थी। देखिए यह चीज यहां लिखा गया, वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रेज प्रोड्यूस फेंट ग्रीनिश फ्लोरेसेंस। किस कलर का वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ग्लो, दैट वाज ऑफ लाइट ग्रीन कलर। नेक्स्ट वन इज, कैथोड रेज आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो कैथोड रेज थी जो कि जनरेट हुई थी वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर, तो उस केस में क्या हुआ, अगर उसके अंदर जो गैस फील की गई थी, क्योंकि हमने कहा था देवर पार्शियली इवैक्यूएटेड, उसके अंदर जो गैस थी उसको पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला गया था, सिर्फ कम किया गया था ताकि प्रेशर को हम कम कर सकें, तो जो गैस थी उसके अंदर ये कैथोड रेज उसको आयनाइज कर रही थी। हाँ, आयनाइज करने का मतलब उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही थी। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे। नेक्स्ट देखिए, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे आर मेड टू फॉल ऑन मेटल सच एज टंगस्टन कॉपर एक्सेट्रा। ये जो कैथोड रेज है, जब कुछ मेटल जैसे कि टंगस्टन हो गया, कॉपर हो गया, इनके ऊपर इनको स्ट्राइक कराया जाता है, देन दे यूज टू बिहेव लाइक एक्स रेज। तो ये कैसे बिहेव करने लगती है, एक्स रेज की तरह बिहेव करती हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉइल्स। अगर आपके पास बहुत ही पतली सी मेटल की फॉइल है, फॉइल समझते हैं ना, बहुत पतली सी चादर, हाँ बहुत पतली सी, तो उस केस में कैथोड रेज उसको पेनिट्रेट कर पा रही थी, यानी कि उसके अंदर होल्स क्रिएट करके आगे बढ़ पा रही थी, जिसका मतलब क्या हो रहा था, उसके अंदर कुछ ना कुछ मैकेनिकल इफेक्ट था जिसकी वजह से वो सामने पड़ी, भले से बहुत ही थीन थी लेकिन उस लेयर को पेनिट्रेट कर पा रही थी। एक नोट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, चार्ज मास रेशियो, ये क्या होता है, ई बाई एम। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे यहाँ पर, और फिर मास भी इलेक्ट्रॉन का नीचे रख के इसको सॉल्व कर देंगे, तो जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं चार्ज बाई मास रेशियो। सो चार्ज मास रेशियो ई बाई एम ऑफ द पार्टिकल्स इन द कैथोड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन। अब जो चार्ज बाई मास रेशियो थी या कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज थी, वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही थी कि आपके गैस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड ऑल्सो इट वॉज नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड जिसका बना है उसके मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं कर रही थी, स्पेशली इन केस ऑफ कैथोड। एनोड के केस में थोड़ा सा ही डिपेंड करती है, देखिए कैसे, देखिए ये हमारा कैथोड नेगेटिवली चार्ज, यहां से तो रेज निकल रही थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे फर्क पड़ सकता है। हाँ, हमने यहां पे कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया है, वी हैव यूज्ड हियर परफोरेटेड इलेक्ट्रोड। परफोरेटेड का मतलब, हाँ, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके अंदर हमने ढेर सारे होल्स कर रखे हों। होल्स हमने क्यों किए थे, ये वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ से जो रेज जा रही हैं वो स्ट्राइक करने के बाद ग्लो क्रिएट करती हैं या नहीं करती हैं। तो एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, ये पूरा तो कहानी था, सुन लिया आपने, समझ लिया, बस काम खत्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो इतनी सी बात है कि कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन
पाला, नेचर ऑफ द गैस टेकन, यानी कि कौन सी गैस आपने लिया है इस बात पे वो डिपेंड नहीं करता। दूसरा, इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोड, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना है इस बात पे भी ये डिपेंड नहीं करता। स्पेशली कौन सा इलेक्ट्रोड? कैथोड वाला। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड रेज या कैनल रेज। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। 1888 में, लगभग दो साल आगे, 1886 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया और 1888 तक वो हमें रिजल्ट दे पाए थे। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके बाद उन्होंने फिर से यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, जो फैराडे की एक्सपेरिमेंट थी उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो उनको एक और रेज उसके अंदर दिखाई पड़ी, जो कि किधर जा रही थी, यस दैट वॉज गोइंग टू द कैथोड साइड, यानी कि वो निगेटिव की तरफ जा रही थी। अब हमें ये बताइए, अगर कोई रेज निगेटिव साइड पर जाती है तो इसका मतलब वो रेज कैसी हो सकती है, पॉजिटिव या निगेटिव? हाँ, क्योंकि वो निगेटिव की तरफ जा रही है तो वो कैसी रेज होगी, पॉजिटिव रेज रही होगी। आइए डिस्कस करते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर ही ऑब्जर्व्ड अ न्यू टाइप ऑफ रेज स्ट्रीमिंग बिहाइंड द कैथोड। उन्होंने एक नए टाइप का रेज ऑब्जर्व किया, जो कि किधर जा रही थी, कैथोड की तरफ जा रही थी। दीज रेज वर नेम्ड एज एनोड रेज और कैनल रेज। अब ध्यान रहे, यहां पे एक छोटी सी गलती होती है। अब हमारे माइंड में क्या आता है, क्योंकि ये रेज एनोड रेज लिखी हुई है तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि ये एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इसका नाम एनोड रेज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कैथोड रेज वाले केस में ट्रू था, कैथोड से निकलने वाली जो रेज है उनको हम कैथोड रेज कहते हैं, बट ये जो एनोड रेज है ना, वो एनोड से नहीं निकलती, तो फिर ये रेज कहाँ से आई? गुड क्वेश्चन। जो इसके अंदर गैस भरी गई थी, आपको याद है जब कैथोड रेज के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी एक प्रॉपर्टी थी कि दे आयनाइज द गैस। तो जब ये कैथोड रेज इसके साथ मूव कर रही थी, किधर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो बीच में जो गैस भरी हुई थी ये उस गैस को आयनाइज कर रहे थे। हाँ, आयनाइज करने का मतलब उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे थे, और वो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से कहाँ जा रहे थे, इस साइड में जा रहे थे। ध्यान रहे, देख के यही लगता है, सबके माइंड में भी यही बैठ जाता है कि ये एनोड से रेज आ रही हैं, ये रेज एनोड से नहीं निकलती हैं, ये रेज कैथोड से निकलती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एनोड रेज एनोड से कभी भी निकलती नहीं है। ये रेज कहाँ से आती हैं, दे रेज कम फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ द गैस बिकॉज ऑफ कैथोड रेज। ये जो कैथोड रेज है, इन कैथोड रेज के मूवमेंट से जो आयनाइजेशन होती है गैस की, उस गैस के आयनाइजेशन से हमें क्या मिलती है, एनोड रेज मिलती है, और इन्हीं एनोड रेज को हम क्या कहते हैं, दे आर नेम्ड एज प्रोटॉन्स। आगे देखिए क्या दिया है, दीज रेज वर नेम्ड एनोड रेज और कैनल रेज। इन्हीं रेज को हमने एनोड रेज या कैनल रेज कहा। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। हाँ, ये जो रेज थे ये कैसे थे, दे वर पॉजिटिवली चार्ज इन नेचर। सेटअप पूरा वही था, क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट वो रिपीट कर रहे थे और वो देख रहे थे क्या कुछ नया मिलता है क्या, और बाद में उनको नया मिल जाता है। क्या मिलता है? हाँ, दे फाउंड एनोड रेज और कैनल रेज। अब बताइए, एनोड रेज किधर जा रही थी, कैथोड की तरफ, तो हमें वेरीफाई करने के लिए जिंक सल्फाइड किधर लगाना होगा, हाँ कैथोड की तरफ ही लगाना पड़ेगा। तो इस बार जो इलेक्ट्रोड हम लगाएंगे, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड, वो किस साइड लगाएंगे,
एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ? डेफिनेटली कैथोड की तरफ, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स जा रही थी जिनको हमें वेरीफाई करना था वो तो इसी वॉल पे आके स्ट्राइक करेंगी, तो इनको यहाँ से जो रेज आ रही है उसको पास होने के लिए यहाँ पे होल्स चाहिए, इसीलिए इस बार जो परफोरेटेड इलेक्ट्रोड लगाया गया डेट वॉज ऑन द कैथोड साइड। आइए प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होती हैं। जैसे पहला, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, कैथोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइंस में जाती हैं। एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, एनोड रेज के अंदर भी मटेरियल के पार्टिकल्स वाले नेचर होते हैं। तीसरा, एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। अब एनोड रेज पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो वहाँ पर देखा गया कि जो एनोड रेज थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रहे थे, यानी किधर जा रहे थे, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, वो पार्टिकल्स देवर डिविएटिंग टू द नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स, वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स की तरफ जा रही थी, जिसका मतलब ये हुआ कि वो रेज कैसी थी, देवर पॉजिटिवली चार्ज। दिस इंडिकेट्स दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। वैसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो ये जो एनोड रेज की प्रॉपर्टीज थी वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच कर रही थी। चलिए नेक्स्ट हमारा, अनलाइक कैथोड रेज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन। ये हमारा छोटा सा नोट पॉइंट है, काफ़ी अच्छा है, ध्यान रखना आपको। जैसा हमने देखा था कि कैथोड रेज या उसकी प्रॉपर्टी जो चार्ज बाई मास रेशियो है वो डिपेंड नहीं करती थी, ना वो डिपेंड करती है गैस पे, ना वो डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पे, जबकि जबकि एनोड रेज डिपेंड करती हैं कहाँ पे, द नेचर ऑफ द गैस टेकन एंड द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। देखिए ये चीज लिखा हुआ है, अनलाइक कैथोड रेज, अगर आप कैथोड रेज की बात करें तो उससे बिल्कुल अलग होके द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन, वो जो गैस भरी जाती है इस ट्यूब में उसके नेचर पे डिपेंड करता है। दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक्चुअली ये गैस के ही आयंस हैं। कहाँ से ये आयंस क्रिएट हुई थी, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कैथोड रेज एंड आयनाइजेशन ऑफ द गैस। जब कैथोड रेज कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी तो बीच में जो गैस था वो उसको आयनाइज करती हैं, और वो आयनाइज गैस वापस से किधर जाती हैं, अब एनोड की तरफ। आइए नेक्स्ट देखिए, द चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स अपॉन द गैस टेकन एंड द नेचर ऑफ द कैथोड दैट इज इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहां पे काफी अच्छी चीज लिखी हुई है कि ये गैस पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए पहला, सिंस हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस आर लाइटेस्ट, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 1U, हाइड्रोजन का 1U होता है। देयरफोर चार्ज बाय मास रेशियो इज मैक्सिमम इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है, E/m होता है ना। अगर आप मास की वैल्यू को कम करें तो बताइए E/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कंफर्म है बढ़ जाएगी। अब देखिए, क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस लिया जब, तो हमें वहाँ से आयंस कौन से मिले, हाइड्रोजन आयंस मिले ना, तो जबकि हम हाइड्रोजन आयंस लिए तो उसकी मास क्या होता है, बिल्कुल कम, इसीलिए इसकी चार्ज बाई मास रेशियो क्या होती है, सबसे ज़्यादा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चार्ज बाई मास रेशियो कंपेयर करिए कार्बन एंड ऑक्सीजन का, तब क्या कहेंगे, किसकी चार्ज बाई मास रेशियो ज़्यादा होगी, आपको देखना है मास किसका ज़्यादा है, इसका,
क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसलिए इसका चार्ज बाई मास रेशियो कम हो जाएगा। हाँ, यानी कि चार्ज बाई मास रेशियो इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट पार्टिकल। दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको क्या कहा गया बाद में? प्रोटॉन्स कहा गया। इनके एक और नाम होता है, दैट इज कैनल रेज। नेक्स्ट देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स को कैसे ढूंढा गया? द मास ऑफ एन एटम इज मेनली कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। जो भी एटम का एक मास होता है वो मेनली कहाँ होता है? उसके न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों पाए जाते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स नॉट ओनली प्रोटॉन्स बट ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। क्योंकि न्यूक्लियस में सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स, यानी कि प्रोटॉन्स ही नहीं मिलते, उसके अंदर एक दूसरे टाइप का पार्टिकल्स भी मिलता है, और उस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन्स कहते हैं। दीज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाई जेम्स चैडविक इन 1932। और ये जो न्यूट्रॉन्स है ये कब ढूंढा गया? दे वर डिस्कवर्ड इन 1932 बाई जेम्स चैडविक। ही बॉम्बार्डेड अ थीन फॉइल ऑफ बेरिलियम विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अभी आपको यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं ये समझना होगा। देखिए, हीलियम में, अगर आप हीलियम की बात करें तो एटॉमिक मास कितना होता है? 2। यानी कि एटॉमिक मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसमें बताइए कितना चार्ज आ जाएगा? +2 या -2? हाँ, कौन सा चार्ज आएगा? +2। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स का लूज होता है, यानी कब कोई इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो उस केस में हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। ठीक है, यानी कि ये जो हीलियम +2 चार्ज है, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अब आपको ध्यान रखना है अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। हाँ, जब हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन्स और दोनों के दोनों ही चले गए बाहर, तो उस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओके, एंड ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स वर इमिटेड। जब उन्होंने गोल्ड के फॉइल पे, गोल्ड ही क्यों लिया गया? क्योंकि गोल्ड इज वेरी मैलिएबल। हाँ, मेटल्स में भी गोल्ड क्या है? सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है, यानी आप उसको पीट पीट के सबसे पतली चादर बना सकते हैं। तो जब उन्होंने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट कराई, कई बार आपको बेरिलियम फॉइल्स भी मिल सकता है, क्योंकि बेरिलियम भी मेटल है और वो भी मैलिएबल होता है, लेकिन इन जनरल गोल्ड लिया जाता है। आप चाहें गोल्ड भी कह सकते हैं या फिर बेरिलियम भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स। तो उन्होंने एक और पार्टिकल ऑब्जर्व किया जिसकी मास प्रोटॉन्स की मास से थोड़ी सी ज़्यादा थी। क्या थी? प्रोटॉन्स की मास से थोड़ी सी ज़्यादा थी, और उन्होंने उसको क्या कहा? यस, देन दे टोल्ड दैट इट विल बी न्यूट्रॉन्स, और उसको नाम क्या दे दिया गया? न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। दीज पार्टिकल्स हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। क्योंकि इनका मास थोड़ा ज़्यादा था तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर्स भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, तो पेनिट्रेटिंग पावर किस पर डिपेंड करेगी? मास पे। सबसे हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन। तो जो सबसे ज़्यादा भारी, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे भारी है, इसलिए सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर न्यूट्रॉन्स की ही होती है। देखिए, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम पे जो +2 चार्ज होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना? 2, और एटॉमिक मास कितना? 4। ये हमारा अल्फा पार्टिकल्स। अब चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में अल्फा भी लिख सकते हैं।
तो उनको क्या मिला, 6C12, ये तो कार्बन एटम है, और साथ में एक और पार्टिकल मिला जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूट्रॉन्स दिया। क्लियर है? हाँ, जिसकी मास क्या है, लगभग 1 ही है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन 99% एकदम सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हम हमेशा उसको भी कैलकुलेशन में सेम मान के ही आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, जेम्स चैडविक ने बेरिलियम का फॉइल लिया, उस बेरिलियम के फॉइल में उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बारमेंट कराया, यानी कि ढेर सारा अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया, फिर वहाँ से उन्हें एक कार्बन एटम और एक और पार्टिकल मिला, जिस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन्स दिया गया। और ये जो पार्टिकल मिला था, ना ही ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो रहा था और ना ही ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो रहा था, इसका मतलब हाँ, ना ये पॉजिटिव चार्ज था ना ही ये नेगेटिव चार्ज था, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। नहीं, देखिए, दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स वर फाउंड टू हैव द मास ऑफ 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। हाँ, इसका जब मास निकाला गया, कैलकुलेट किया गया, तो कितना मिला हमें, 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, एंड वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन्स, और उसको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स नाम दिया गया। अब कुछ और भी पार्टिकल्स जो होते हैं उनके नाम जान लीजिए, इनके बारे में डिटेल्स में आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है, नाम जानते रहिए। पहला, तीन पार्टिकल्स तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। उसके बाद और भी पार्टिकल्स होते हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं, पहला है पॉजिट्रॉन, दूसरा मेसॉन, तीसरा न्यूट्रिनो एंड चौथा एंटी प्रोटॉन। क्लियर है? हाँ, क्या क्या नाम है, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी प्रोटॉन। आइए कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। अब कीवर्ड्स का मतलब ये सारी पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। पहला, इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, या फिर अगर आप ग्राम में बनाना चाहें तो पावर बढ़ाएंगे, −31 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, −28, क्योंकि जब हम नेगेटिव पार्ट्स को बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू एक्चुअली क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है नंबर में। क्लियर है? इसी तरह अगर चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज होगा, कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। नेक्स्ट हमारा प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का मास कितना होता है, 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। अगर आपको याद होगा तो अभी न्यूट्रॉन्स का मास हमने देखा था कितना आया था, 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, ये आया था। अब ध्यान से देखिए कितना डिफरेंस है, ये 1.66 है और ये 1.675 है, बस इतना सा डिफरेंस है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में। इसीलिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या लेके चलते हैं, बिल्कुल सेम लेके चलते हैं। इसको जब किलोग्राम से ग्राम बनाएंगे पावर क्या हो जाएगा, −24। इसका जो चार्ज आएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका चार्ज कितना आएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ध्यान रहे, पॉजिटिव आपको इसको नहीं करना है, ये तो बस पावर बता रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है। हाँ, आपका नेचर यहाँ पे है, ये है पॉजिटिव नेचर और ये है इसका नेगेटिव नेचर। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रॉन्स, देखिए न्यूट्रॉन्स का मास कितना होता है, 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम या 1.675 × 10⁻²⁴ ग्राम, कोई एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इस पर चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि ना ही ये पॉजिटिव चार्ज था ना ही ये नेगेटिव चार्ज था। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे रखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा और जो प्रोटॉन्स का चार्ज होगा दोनों सेम होगा, बस डिफरेंस क्या है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है,
वैसे अगर आप मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम लिए जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, हम उसको इग्नोर करेंगे और सबको इक्वल ही लेके आगे बढ़ेंगे। अब कुछ छोटी छोटी डिटेल्स जो आप चैप्टर वन में पहले पढ़ भी चुके हैं, फिर से दिया है तो आप देख लीजिए। एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही इक्वल आएगा। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल हो सकता है, ध्यान रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो सकता है, होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कई बार एटम्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बदल जाता है, या कई बार जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो भी नंबर बदल जाता है। यानी कि सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी चेंज्ड, देयरफॉर इट इज़ नॉट राइट टू से दैट एवरी टाइम एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, बट इन केस ऑफ न्यूट्रल, अगर आपके पास एटम है जो कि ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और वो किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। दूसरा मास नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम क्यों नहीं लेते, बहुत सिंपल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट। हाँ, वो प्रकाश वाला लाइट नहीं है, हल्का, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं, इसलिए उनके मास को हम इग्नोर कर देते हैं। क्लियर है, यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, मास ऑफ हाइड्रोजन अगर 1U है तो मास ऑफ H प्लस भी कितना होगा, 1U ही होगा, क्योंकि चेंज कहाँ हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चेंज होने से हम अपने एटॉमिक मास में चेंजेस आते जरूर है, कंसीडर नहीं करते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज नेग्लिजिबल। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक मॉडल्स, आगे देखिए डिस्कस करते क्या होता है एटॉमिक मॉडल्स। इन 1898, आप इसको ना दो पार्ट में कर लीजिएगा वीडियो को, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आप पीछे तक आज कंप्लीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट डे इसके आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। चलिए हम इसको आज कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि एक ही में पीडीएफ बना है तो इसको पूरा पार्ट एक ही में रहने देते हैं हम। तो देखिए बहुत सारे, क्योंकि जब आप एटम्स बन गए थे, एटम्स के बारे में हमें जानकारी होगी, फिर हमें ये मालूम चल गया कि एटम्स अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना है, तब बात ये होने लगी कि एटम्स दिखता कैसा होगा। हाँ, यानी कि एटम्स के बारे में और डिस्कवरी आगे बढ़ने लगी, तो हम क्या करने लगे, अब हमारे जो साइंटिस्ट थे दे वर प्लानिंग टू डिस्कवर अबाउट एटॉमिक मॉडल्स। तो चलिए सबसे पहला मॉडल किसका था, हाँ, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, वही जिन्होंने आपको तरबूज वाला कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए इन 1898 जे थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम पजेस अ स्फेरिकल शेप। हाँ, जे थॉमसन ने 1898 में यह बात बताई कि जो एटम्स का शेप है उसको स्फेरिकल माना जा सकता है, विद द रेडियस ऑफ, विजिबल नहीं है ना, इसको छोटा कर देते, रुक जाइए। हाँ, विद द रेडियस ऑफ 10^-10 meter। अगर आपको याद है तो 10^-10 को हम क्या बोलते हैं, 1 angstrom बोलते हैं। नहीं याद है तो आपको याद हो जाएगा और आप इसको याद रखेंगे। हाँ, 1 angstrom की वैल्यू क्या होती है, 10^-10 होती है। तो उन्होंने बताया कि रेडियस, पहली बात तो जो एटम है हम उसको स्फेरिकल मान के चलेंगे नेचर में। हाँ, उसका शेप कैसा लेंगे हम, स्फेरिकल, और क्योंकि वो स्फेरिकल है तो उसे कोई ना कोई रेडियस होगी, तो रेडियस कितना लिया उन्होंने, 1 angstrom, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 10^-10 meter लिख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली एक बराबर हमेशा बिखरे हुए हैं, चारों तरफ वो बिखरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट मोर और लेस यूनिफॉर्मली टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टेटिक अरेंजमेंट।
उन्होंने ये चीज़ बताई। अब मान लीजिए ये हमारा एटम है, स्फेरिकल है, हमने हाफ स्फेयर बनाया, सेमी स्फेयर बनाया, जिसको हम हेमी स्फेयर भी बोलते हैं। इसको ऊपर भी एक होगा तो हम ऊपर का बना देंगे तो फिर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आप ऊपर वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे, आप सिर्फ नीचे वाले पार्ट को कंसीडर करिए। अब देखिए उन्होंने कहा ये जो रेडियस है ये वैल्यू विल बी 1 एंगस्ट्रॉम या 10^-10 मीटर, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या है ना, चारों तरफ बिखरे हुए हैं, यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा प्रोटॉन्स हो गए एक जगह कम, नहीं, वो क्या है ना बराबर बराबर दूरी पे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स भी है, दे आर एम्बेडेड इनटू इट। जैसे कि तरबूज जब आप लेते हैं तो तरबूज में बीज ब्लैक कलर की जो सीड होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी बिखरे हुए हैं। हाँ, अब ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे होंगे, यानी कि हर जगह इक्वल अमाउंट में होंगे, ये अब हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज़ और अच्छी कही कि जैसे भी होंगे ये खुद को ऐसे मैनेज करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरऑल इस पर नेट चार्ज कितना हो जाए, 0। यानी कि इसके ऊपर लगने वाले टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ये एकदम बिल्कुल बेसिक सा पहला एटॉमिक मॉडल था। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल, इसके ढेर सारे नाम हैं, इन नाम से भी इनको हम जानते हैं। देखिए दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज एज पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विथ प्लम्स और सीड्स इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इनटू इट। उन्होंने बस सिंपल से ये कहा कि आप एक तरबूज ले लीजिए, तरबूज में जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो वाला पार्ट पूरा आपका पॉजिटिव है, यानी कि वहाँ पे सारे प्रोटॉन्स हैं, और जो उसमें ब्लैक कलर की सीड आपको दिखती रहती है बीच बीच में, वो सब आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एटम ऐसा ही है जिसमें कि चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में कहीं कहीं पर एक दूसरे से दूर दूर है। नेक्स्ट है हमारा, दिस मॉडल एज्यूम्ड डैट द मास ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। अब यह मॉडल इस बात पे बेस्ड था, यह बात मान के चला था कि जो मास ऑफ एटम है, यानी कि जो एटम का मास होगा वो क्या है, उस पूरे जो डायग्राम आपको दिख रहा है हर जगह उसके छोटे छोटे पार्ट्स बिखरे हुए हैं, और सारे पार्ट्स जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो इसके टोटल मास के इक्वल आएगा, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको भी पता है मास कहाँ मिलेगा आपको, न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि सेंटर में मास होता है। खैर ये पहला मॉडल था, इसमें गलतियाँ भी थी, गलतियाँ होना भी था, क्योंकि जब आप कोई काम फर्स्ट टाइम करते हैं तो गलतियाँ होने के पूरी पूरी चांसेस होती हैं। खैर ये एक इंस्पिरेशन था, गलती होने के बावजूद भी हम इसे आज क्यों पढ़ते हैं, आपको इंस्पायर करने के लिए कि अगर आप कभी भी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, किसी चीज़ की डिस्कवरी करनी चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो रहा है या सही, आप करते रहिए, गलती हुई उसको इम्प्रूव करिए, फिर गलती हुई फिर इम्प्रूव करिए, और ऐसे करते करते आपको आपका एम मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। हाँ, खास बात क्या है, इस मॉडल में एक चीज़ अच्छी थी, वो क्या थी, उन्होंने ये कहा था कि ओवरऑल जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0, यानी कि एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता, एटम कैसा होता है नेचर में, न्यूट्रल होता है। बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट सच एज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि अल्फा पार्टिकल्स में जो हमें मालूम चलेगा अभी क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे, बस आप इतना जान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल्स में ये प्रूव किया जाता है कि जो मास है
वो पूरे चारों तरफ बिखरा हुआ नहीं है, वो मास कहाँ है, न्यूक्लियस सेंटर में, एटम के सेंटर में पाया जाता है। इन सब चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आपको एक अच्छी बात याद रखनी है, क्या है वो, कि इन्होंने कहा कि एटम्स ओवरऑल न्यूट्रल होता है, जो कि बिल्कुल सही है। इनके ड्रॉबैक्स ये हैं कि इन्होंने कह दिया कि जो एटॉमिक मास है या जो मास ऑफ एटम है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, दैट इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल मॉडल भी कहते हैं और अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया और उन्होंने क्या हमें बताया, फिर उसके बाद इनका मॉडल क्या कहता है। तो आइए देखते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है। हाँ, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था हीलियम। जब हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो लूज कर देता है, तो जो उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल बनता है उस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इट इज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। डबली आयनाइज्ड का मतलब जिसके ऊपर प्लस टू का चार्ज हो, किस पे, हीलियम एटम पे। देखिए हीलियम एटम में प्लस टू का चार्ज है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अब ये क्या बात हुई, अब मान लीजिए मैं हीलियम के स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यही होता है। अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बचा, सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचा, इसलिए हम इसको न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम भी कह सकते हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अल्फा इमिटर मेटल लिया। अब ये क्या होता है, पोलोनियम। हाँ, पोलोनियम एक ऐसा मेटल है जिससे कि हम अल्फा रेज क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने पोलोनियम लिया और वहाँ से उन्होंने अल्फा रेज प्रोड्यूस कराया, और उन्होंने गोल्ड की एक थीन फॉइल को लेके, ये जो आपको सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये गोल्ड की एक फॉइल है, ठीक है, बिल्कुल पतली सी, उसके ऊपर उन्होंने अल्फा रेज का बम्बारमेंट कराया। बम्बारमेंट कराने के बाद उन्होंने क्या किया, एक पीछे फिर से एक स्क्रीन लगाई, इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब सोचिए ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों लगाई गई होगी, हाँ, इस बात को प्रूफ करने के लिए, क्या सच में कोई पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो वो क्या करेंगी, इसे टकराएंगी, और अगर वो टकराएंगी तो वहाँ क्या होगा, ग्लो होगा, यानी वो चमकने लगेगा। तो इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अल्फा इमीटर लिया जो कि किसका बना होता है, पोलोनियम का, फिर बीच में उन्होंने गोल्ड की पतली सी फॉइल रखी और अल्फा इमीटर से उन्होंने ढेर सारे अल्फा रेज को क्या किया, उसके ऊपर बम्बारमेंट कराई। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे रीजन्स थे फ्लोरोसेंट स्क्रीन के, कुछ ऐसे रीजन थे जो लगातार ग्लो कर रहे थे, यानी लगातार साइन कर रहे थे। जब भी कुछ ऐसे स्क्रीन थे, कुछ ऐसा भी हिस्सा था जहाँ पे बिल्कुल ग्लो नहीं हो रहा था, साथ में कुछ ऐसा भी हिस्सा था जहाँ पे कभी ग्लो कर रहा था, कभी ग्लो नहीं कर रहा था। इसका मतलब उनको तीन चीज़ें दिखाई पड़ी, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इस स्क्रीन उनको तीन चीज़ें दिखाई पड़ी। एक ऐसा रीजन है जहाँ बिल्कुल लाइट ग्लो नहीं हुआ, एक ऐसा भी रीजन था जहाँ पर लगातार लाइट ग्लो कर रही थी, एक और भी रीजन था जहां पे कभी लाइट ग्लो करती कभी नहीं करती। तो उन्होंने एक सोचा और उन्होंने बताया किसका मतलब ये हो सकता है कि पहले हम उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं जहां पे लाइट ग्लो नहीं किया, यानी ये वाला रीजन, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो रीजन है वहां पे लाइट बिल्कुल ग्लो नहीं हुई। इसका मतलब उन्होंने कहा, हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहां से अल्फा रेज आ रही है, वो अल्फा रेज यहाँ पहुंची ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर ये अल्फा रेज यहाँ पहुंच जाती तो इससे टकराती, अगर इसे टकराती तो फिर क्या होता, इसका मतलब वो भी ग्लो करता। ग्लो नहीं करने का मतलब यहाँ पे कोई रेज नहीं आई, नहीं आने का मतलब क्या हुआ, वो रेज आके वापस चली गई होंगी। अब ध्यान से देखिए इस रेज को और इन रेज को, ये क्या है, वापस जाके
टकराने के बाद फिर से लौट गई हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे कुछ ऐसा है जो इनको आगे जाने नहीं दिया। बात ध्यान समझते रहिएगा, उसको उन्होंने आगे नया नया टर्म देकर डिफाइन किया है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए। अभी मान लीजिए हम इधर आ रहे हैं आपकी तरफ, आते रहेंगे, लेकिन जब मेरे सामने एक दीवार आ जाएगी, क्या मैं उस दीवार के आगे आ पाऊँगा? नहीं आ पाऊँगा ना। कुछ ऐसा ही है, उन्होंने एक जब देखा कि ये जो लाइट्स वापस जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ यहाँ पे ऐसा है जो कि इनको यहाँ आने नहीं दे रहा था। खैर, उसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। अभी आगे हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और आपको लिखा भी देंगे एक पार्ट। दूसरी पार्ट में उन्होंने कहा कि ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो पार्ट आपको दिखाई दे रही है, ये लगातार ग्लो कर रही हैं, लगातार, यानी कि एक मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ, बार धड़ाधड़ लाइट जल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ से लगातार पार्टिकल्स उसके ऊपर धड़ाधड़ गिर रही हैं। एक गिरा स्पॉट क्रिएट हुआ, फिर गिरा, यानी वो लगातार इसके ऊपर पार्टिकल्स आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बीच में कुछ है या नहीं है? हाँ, बीच में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये जो बीच का रीजन आपको दिख रहा है, ये कैसा रीजन होगा? खाली होगा, क्योंकि अगर यहाँ कुछ होता तो फिर क्या होती? उसकी वजह से ये भी वापस जा सकते थे या रुक रुक के आते, कुछ तो होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब उन्होंने कहा ये जो रीजन आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही हैं, ये एक ऐसे रीजन है जहाँ पर बीच में कुछ नहीं मिला और पार्टिकल्स आराम से यहाँ तक स्क्रीन तक पहुँच गई। अब एक और पार्ट बचा है जहाँ पे कभी ग्लो हो रहा था, कभी ग्लो नहीं हो रहा था, वो ये वाले पार्ट है। उन्होंने देखा कि मेरी जो पार्टिकल्स थी वो तो सीधा जा रही थी, यानी कि उनको यहाँ तो जाना ही नहीं था, वो जाती तो सीधा यहाँ पहुँचती या फिर वापस आती, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपना रास्ता बदल ले रहे थे। यहाँ भी उन्होंने देखा, ऊपर में भी उन्होंने यही चीज़ फील किया कि कुछ पार्टिकल्स अपना रास्ता चेंज कर रहे थे। इसका मतलब उन्होंने कहा कि अब हम क्या कह सकते हैं कि जब ये पार्टिकल्स जा रहे थे, अच्छा ये जो पार्टिकल्स अल्फा रे जा रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? हीलियम का प्लस टू चार्ज पार्टिकल है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो उन्होंने कहा दो बातें हो सकती है, यहाँ पर उसको कोई प्लस चार्ज मिल गया होगा। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये प्लस चार्ज जा रहा है यहाँ, जब प्लस चार्ज पहुँचेगा और एक प्लस चार्ज यहाँ पे पहले से भी है, तो बताइए इनके बीच अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? रिपल्सन होगा, तो ये इसको रिपल करेगा तो ये क्या हो जाएगा? घूम के वापस उधर जाने लगेगा। तो एक तो बात ये हो सकती है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज मिल गया होगा जिसकी वजह से अपना रास्ता बदल लिया हो, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, हो सकता है जब ये यहाँ तक पहुँचा होगा यहाँ पर इसको कोई एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिल गया हो, यानी कि इधर कहीं आपको एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिल रहा हो। क्योंकि अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो बताइए दोनों के बीच क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन, तो भी ये अपनी ओर इसको खींच लेगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे कुछ है जिसकी वजह से ये रेज पास नहीं कर पाई, उसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। फिर उन्होंने कहा कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो रीजन पूरी तरह से खाली है। फिर उन्होंने कहा कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पे प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होने के पूरी चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ये अपना रास्ता चेंज नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वही घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है यहाँ पे कौन हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स लगा दें, यानी कि नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बताइए क्या होगा? दोनों के बीच अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये अपना रास्ता बदल के इधर जाने लगेगा। चले आइए, अब जो हमने आपको बताया उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। तो आप एक तरफ लिख लेंगे ऑब्जर्वेशन, दूसरा तरफ कंक्लूजन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वमेंट से उन्होंने क्या कहा? पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड थ्रू द गोल्ड फॉइल। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थी वो जैसे आ रही थी वैसे पुराना स्क्रीन पर पहुँच गई, यानी कि उनका रास्ता बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादातर हिस्सा क्या है? खाली है। इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि एटम का मैक्सिमम हिस्सा क्या है? खाली है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। दूसरा, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। उसमें से
कुछ बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि अपना रास्ता कुछ एंगल तक चेंज कर ले रहे थे। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा, एटम कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। फिर उन्होंने कहा इसका मतलब एटम्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज है इन इक्वल अमाउंट, सो दैट एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। उन्होंने कहा इसका मतलब वो रास्ता क्यों बदले होंगे, या तो उसको कहीं प्रोटॉन मिल गया होगा तो रिपल किया होगा इसकी वजह से बदल गया होगा, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन मिल गया होगा जिसके अट्रैक्शन की वजह से अपना रास्ता चेंज किया होगा। दोनों ही केस उन्होंने कहा कि इसमें यानी कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारा, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000, यानी कि इतना कम पार्टिकल्स, मान लीजिए अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल्स है तो उसमें से एक या दो पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि वापस लौट जा रहे थे। हाँ, जिससे मतलब हमने क्या कहा था, उनको बीच में कुछ ऐसा मिला जो कि उससे पास करने नहीं दे रहा था, देवर डेविएटेड बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ, और वो वापस से अपने ओरिजिनल पाथ पे लौट जा रहे थे। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा, होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा इसका मतलब एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, वो सब एक छोटे से एरिया में, छोटे से स्पेस में, एटम के सेंटर में है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा ये जो रेज जा रही थी और ये बीच से वापस हो गई थी, ये इसलिए वापस हुई थी क्योंकि यहाँ बीच में उसे कौन मिल गया होगा, प्रोटॉन्स मिल गया होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज था पहले से ही और यहाँ पे भी प्लस चार्ज। अच्छा, अगर दोनों ही, ये तो हल्का सा प्लस चार्ज है यानी इसकी मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ भी अगर कम होती तो क्या होता, रिपल्सन होता, हो सकता था ये उसको पुश कर देता, हो सकता था ना। अगर यही वापस हो रहा है इसका मतलब यहाँ जो बीच में आपको दिख रहा है वहाँ पे प्रोटॉन्स की नंबर क्या होगी, ज़्यादा रही होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहा होगा, इसीलिए ये इससे आगे नहीं जा पाया और ये वापस लौट गया। बात समझ में आ गई मेरी, कर सकते हैं। चलिए, आइए नेक्स्ट हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इनका एक्सपेरिमेंट जब आपने पढ़ लिया तो मॉडल में अब कुछ भी नहीं बचा है। देखिए इनका मॉडल क्या कहता है, होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। इनका मॉडल का सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या थी कि उन्होंने कहा कि कोई भी एटम का जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो उस एटम के सेंटर में छोटे से स्पेस में हैं, और उस स्पेस को उन्होंने क्या कहा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। नेक्स्ट उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी बताई। उन्होंने कहा कि रेडियस ऑफ एन एटम इज 10^-10 meters। उन्होंने कहा था कि आप एटम को तो स्फेरिकल मान के चल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, एटम स्फेरिकल ही है, और उसका अगर हम रेडियस की बात करें तो उसकी रेडियस कितनी है, 10^-10 meters। जबकि ध्यान रहे ये क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द एटम। अब उन्होंने कहा अगर ये एटम है तो इसके सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ बीच में कौन है, न्यूक्लियस। उन्होंने कहा अगर ये 10^-10 meters है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो उन्होंने कहा कि ये जो सेंटर बन रहा है इस सेंटर की भी तो कोई ना कोई रेडियस होगी। हाँ, यानी कि उन्होंने कहा कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर क्या हमारा, न्यूक्लियस, दैट इज 10^-15 meters। हाँ, वो तो इससे भी छोटा है, यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, दैट इज 10^-15 meters। फिर उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला भी निकाल के दिया, क्या कहा उन्होंने, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को निकालने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर हो गया, बट आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, क्या था, r0 a^1/3, जहाँ पर आर नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, एक रेंज में होती है, लेकिन हम इसको लेके कितना चलते हैं, 1.33। आप चाहें तो यहाँ पर 1.11 × 10^-15 meters ले सकते हैं, आप 1.12 ले सकते हैं, आप 1.44 तक भी ले सकते हैं,
लेकिन हाँ इन जनरल ये वैल्यू कितनी ली जाती है 1.33 इंटू 10^-15 मीटर, यानी कि आर नॉट की वैल्यू तो आपको फिक्स से मिल गई। ए क्या है हमारा, दैट इज मास नंबर, एटॉमिक मास। अब मान लीजिए आपसे कह दिया जाए फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम एटम के न्यूक्लियस का रेडियस निकालना आपको। आप लिखेंगे R इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3, आर नॉट की वैल्यू आपको पता है, लिख लेंगे 1.33 इंटू 10^-15 मल्टीप्लाइड बाई ए क्या हमारा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना होगा 40^1/3। 1/3 का मतलब हमें क्या निकालना होगा, इसका क्यूब रूट। जब 40 का क्यूब रूट निकालेंगे आई थिंक कितना आ जाएगा, 3 समथिंग आएगा, ठीक है। वो वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, उन्होंने क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स एट वेरी हाई स्पीड। अब यहीं पर उन्होंने गड़बड़ी कर दी, उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी कही लेकिन ये जो पार्ट उन्होंने बोल दिया ये उनका ड्रॉबैक हो गया, और इसी वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फिर से फ्लॉप हो गया। हाँ, यानी कि ये भी हमारा सही मॉडल नहीं है। क्या हो गया देखिए ध्यान से, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही थी, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूमते हैं, पर उन्होंने ये चीज़ कह दिया कि वो जिस रास्ते पर घूम रहे हैं वो तो ऑर्बिट्स हैं, जो सर्कुलर पाथ होता है उसको ऑर्बिट्स कहते हैं, ये भी सही था। लेकिन उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग वेरी फास्ट, हाँ उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं उन ऑर्बिट्स में बहुत ही फास्ट मूव करते रहते हैं, ये चीज़ उन्होंने गड़बड़ कर दी। आपको इतना पता हो गया होगा कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन किया जाता है तो बताइए ये जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है कि नॉन एक्सेलरेटेड, हाँ वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी कि उस टाइम पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा ही होगा। और ये चीज़ प्रूव्ड है कि अगर कोई भी चीज़ एक्सेलरेटेड मोशन करती है तो उसकी एनर्जी, हाँ उसकी एनर्जी लगातार डिक्रीज होती रहेगी, अगर उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एक टाइम के बाद ख़त्म भी हो जाएगी। तब देखिए क्या हुआ, इन्होंने कह तो दिया ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए ये मेरा एटम है इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर रिवॉल्विंग एट वेरी हाई स्पीड, अगर ये हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये धीरे 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 एनर्जी खत्म हो जाएगी, जब एनर्जी खत्म होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर गिर जाएगा। यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि लगातार घूम रहा है, घूमते 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 इसकी एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये कैसे चलने लगेगा, ऐसे ऐसे करते 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 घूमते 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 एक टाइम के बाद ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस के अंदर ही जाला जाएगा, यानी कि उस टाइम के बाद ये एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। जबकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है, यानी कि इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कौन, रदरफोर्ड ने। थर्ड पॉइंट देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। फिर उन्होंने ये चीज़ भी कही कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के ऑर्बिट्स में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल ही होगा, यानी कि ओवरऑल एटम हमारा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ये बिल्कुल सही है, सबको पता है, हेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, उन्होंने कहा कि एटम के जो ज़्यादातर हिस्से हैं वो क्या है, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। आइए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्रॉबैक्स, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हो गया। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस
रदरफोर्ड की अगर हम बात माने तो क्या मालूम चलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत ही हाई स्पीड से घूम रहे हैं इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। और जो सर्कुलर पाथ है उस सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, अब ये क्या होता अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको इसलिए परेशान नहीं होना, नेक्स्ट लेक्चर आपको इस पर मिलेगा। बट आपको इतना जानकर चलना है कि मैक्सवेल ये भी साइंटिस्ट थे और इनकी एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि ये कहती है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इन फॉर्म ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये कहती है कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है इन दैट केस इट विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करती है, यानी कि रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को लूज करती है। अब बताइए हमारे अंदर चाहे जितनी एनर्जी हो, अगर हम लगातार काम करते रहें, मेरी एनर्जी लगातार कम होती रहे, तो क्या एक टाइम के बाद ऐसा नहीं होगा कि मेरी एनर्जी खत्म हो जाए? होगा ना। तो सेम थिंग हैपेंड एंड देयर फोर इट कैन नॉट मेंटेन द रेडियस ऑफ इट्स पाथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, एक टाइम के बाद उनका एनर्जी कम हो जाएगा और वो धीरे धीरे जाके सेंटर यानी कि न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएंगे, यानी कि एटम्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हैंस रेडियस ऑफ इट्स पाथ विल कंटिन्यूसली डिक्रीज। इसका मतलब जो रेडियस होगा पाथ का वो क्या होगा, लगातार घट रहा होगा एंड इट विल अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस फॉलोइंग ए स्पाइरल पाथ। और एक टाइम के बाद फाइनली क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो एक स्पाइरल पाथ यानी कि लगातार उसकी पाथ छोटी होती जाएगी, होते होते न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगी, मेकिंग द एटम अनस्टेबल। और वो एटम को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हेंस इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इसका मतलब वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए। उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं सब कुछ सही है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अगर तो नीचे सेंटर में क्यों नहीं गिरेंगे। ये बात उनको भी पता था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं करता है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये हम आगे दो तीन लेक्चर के बाद जब हम आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बस आप इसको लिख लीजिए और इसको ऐसे याद रखेंगे। हाँ, ये जो मॉडल है ये हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं या स्पेक्ट्रम बनता है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वन इज आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आपको पता ही है आइसो का मतलब क्या होता है, हाँ सेम। तो देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। हाँ, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, अब मान लीजिए सोडियम के आपके पास 10 एटम है, सोडियम एलिमेंट के आपके पास 10 एटम है, तो सबके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो तो सेम ही रहेगा। हाउएवर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मे बी डिफरेंट, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स के साथ जो न्यूट्रॉन्स हैं उसका नंबर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। खैर आप उसको छोड़िए, आप डेफिनेशन पे फोकस करिए। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, अलग अलग होता है, दे आर नोन एज आइसोटोप्स, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। तो इसमें डिफरेंट क्या हुआ होगा, हाँ देखिए एक्चुअली एटॉमिक मास किससे बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सभी एटम्स के सेम होते हैं तो फिर चेंज क्या हुआ होगा, हाँ देन देयर वॉज द चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
डिफरेंट होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स जिनकी एटॉमिक मास डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के तीन आइसोटोप्स, वैसे तो बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, इन जनरल हम तीन की बात करते हैं। पहला 6C12, दूसरा 6C13 एंड द फोर्थ वन इज 6C14। अब ध्यान से देखिए, इस वाले एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इस वाले एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। और इस वाले एटम का भी एटॉमिक नंबर कितना है, 6। लेकिन इस वाले एटम का एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास 13, एटॉमिक मास 14। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है, सबका अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स, इसी को हम आइसोटोप्स कहते हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप ये जानना चाहें तो देखिए, यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे आपको, 6, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहें तो पिछले की क्लासेस हमने देख रखा था कैसे निकालते हैं, हम एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स कर लेते हैं। ये मास कितना, 12, माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 6। चलिए ऐसे यहाँ भी बताइए, प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6। यहाँ भी प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है।